हेलो गाइज, दिस इज रोशन वर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एंटी थेफ्ट अलार्म के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से आप अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा सिक्योर रख सकते हो, जिसके मदद से अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो ईजिली कह लें कि चोर इसको नहीं चुरा पाएगा। अब ये कौन सी डिवाइस है और क्या है, वैसे तो आपको थंबनेल में देख के पता लगा ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं डिटेल्ड में आप लोगों को समझा दूँ, बता दूँ कि मैं इसे लगभग पिछले 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस मिली है। अब आपको पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, खर्च करना चाहिए या तो फिर नहीं, सारे चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो उसे डिसलाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब गाइज, मैंने जो अपने बाइक में एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल करवाया है वो दरअसल में रूट कंपनी की है। जैसा कि आप इसमें देख पाओगे, वैसे मैं आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिखा दूंगा, आप देख सकते हो रूट जी कंपनी का मैंने ये डिवाइस खरीदा था। जो अब बेसिकली में ये डिवाइस कुछ इस तरह से काम करती है कि जब भी आप अपने बाइक को कहीं पे भी पार्किंग में पार्क करके जाते हो या तो फिर ऐसे कह लो कि साइड जगह पे लगाते हो जहां पे ये बाइक सिक्योर नहीं है, तो जब भी कोई आपके बाइक को टच करेगा, बाइक को हिलाने की कोशिश करेगा, आपके बाइक के हैंडल का लॉक तोड़ने का कोशिश करेगा, तो फिर आपकी बाइक एक साउंड जनरेट करेगी, एक अलार्म जनरेट करेगी कुछ इस तरह से। मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूं, अभी इस रिमोट के माध्यम से मैं अपने बाइक का अलार्म एक्टिवेट करता हूँ। हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, उसके लिए सॉरी गाइज, मैं रोड पे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और अभी रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। इस रिमोट की मदद से इस बाइक में लगे एंटी थेफ्ट अलार्म को अभी मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब जब भी आप अपने रिमोट की मदद से इस डिवाइस को एक्टिवेट करना चाहोगे और बटन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का साउंड आपको सुनाई देगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगी कि आपके बाइक पे जो ये डिवाइस है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब जब कभी भी आपका बाइक कोई ऐसे उठाना चाहेगा, उठा के इसका लॉक तोड़ना चाहेगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह का अलार्म साउंड आपकी बाइक जनरेट करेगी। अगर दोबारा से भी इस बाइक को कोई कह लें कि इस बाइक के लॉक को अगर तोड़ना चाहे तो आप देख सकते हो फिर से ये अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर बार बार इस बाइक को, मतलब जिस बाइक में ये डिवाइस लगी हुई है, अगर उसमें टच किया जाए तो ये बार बार बजती रहेगी और तकरीबन 5-4 मिनट तक ऐसे बजती है अगर आप इसे इस रिमोट की मदद से ही ना बंद कर दो। इस रिमोट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ये तो रहा एक छोटा सा ट्रेलर कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। अब इस डिवाइस को मैं अपने बाइक में डीएक्टिवेट करता हूँ। साथ ही इस रिमोट में आपको 4 बटन्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप अलग अलग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो या अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस बाइक को अगर आप लॉक कर दें लॉक के बटन को प्रेस करके, तो इस बाइक में जैसे ही कोई टच करता है, कोई भी मूवमेंट आपके बाइक में होती है, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन आपके बाइक को मिलता है, मूवमेंट मिलता है, तो ये बाइक अलार्म जनरेट करेगी, वो भी बहुत अच्छे साउंड में। साथ ही इसके साथ एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो चोर लोग होते हैं उनके पास एक मास्टर की होती है और उस की को अगर इस बाइक में लगाया जाता है, चोर लोग लगाते हैं और फिर इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके बाइक में ये एंटी थेफ्ट अलार्म लगी हुई है तो कोई भी चाबी हो इस बाइक को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, मतलब यूँ कह लें कि इस बाइक को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है मास्टर की होने के बाद भी। जैसे कि मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से एक्टिवेट किया अपने बाइक में इस डिवाइस को और फिर मैं समझता हूँ कि चोर के पास ये मास्टर की है और इस मास्टर की को मैं लगाता हूँ। लगाने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही बाइक को ऑन किया जाएगा तो ये यहाँ से एक आवाज़ जनरेट करना शुरू कर देगी। मैं अभी इसे बंद करता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बंद किया, अगर यहीं पे देखा जाए तो मैं इस अलार्म को फिर से एक्टिवेट करता हूं और एक्टिवेट करने के बाद की को इस बाइक में लगाता हूं, लगाने के बाद अगर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं लेकिन ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इग्निशन स्टार्ट होने को होता है लेकिन पूरी तरह से इग्निशन स्टार्ट नहीं हो पाती है, बाइक चालू नहीं हो पाती है, तो इस तरह से आपकी बाइक पूरी सिक्योर हो जाती है। अब ये तो रही सिर्फ एक बटन का फीचर, अगर दूसरे बटन के फीचर की बात कर ले तो भैया इसमें आपको 4 बटन्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जो लॉक का बटन है, उस बटन का यूज़ करके आप अपने बाइक को लॉक कर पाएंगे। दूसरा जो अनलॉक का बटन मिलता है आपको, अगर आप उसे प्रेस करते हो तो आप अपने बाइक को अनलॉक कर दोगे। अनलॉक करने पर अगर आपके बाइक में मूवमेंट होती है तो ये बाइक कह लें कि साउंड जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो इसमें अभी डिवाइस लगी हुई है वो अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। इसके बाद 2 बटन्स और बचते हैं, एक बटन की मदद से आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ बस बटन प्रेस किया और इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर, मीटर सब कुछ चालू हो जाता है। वहीं मैं इसे अगर डबल प्रेस करता हूँ तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मेरे केस में ये बटन काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ
और लगता है कि जब मैं बाइक को वॉश करवाता हूँ बार बार तो शायद इसका जो मेन किट है उसमें पानी चला गया है और ये बटन अभी काम नहीं कर रही है मेरे केस में, लेकिन जब ये नया था तब बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। हाँ, लेकिन रिमोट से अगर आप अपने बाइक को स्टार्ट करते हो या तो फिर करना चाहते हो तो इसके लिए एक डिमेरिट भी है कि बाइक अगर गियर में भी होती है और आप इस रिमोट कंट्रोल का यूज़ करके इस बाइक को स्टार्ट कर देते हो तो आपकी बाइक आगे बढ़ के गिर जाएगी, आपका बाइक टूट सकता है, स्क्रैचेज पड़ सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगा इस डिवाइस के अंदर। तो इस बटन को मैं जनरली यूज नहीं करता हूं और थैंक गॉड कि मेरे रिमोट में ये बटन नहीं काम कर रही है, क्योंकि कभी अगर गलती से भी ये बटन प्रेस हो गई और मेरा बाइक न्यूट्रल में ना रह के गियर में रहा और अगर बाइक आगे बढ़ गई गिर गई तो बहुत ज़्यादा डैमेज मुझे देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ था लेकिन बाइक को मैंने गिरते गिरते बचा लिया था। अब अगर चौथे बटन के फंक्शन की बात करें तो भैया ये जो साउंड निकालती है इसमें दो तीन तरह के आपको कह लें कि पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला पैटर्न मैं आप लोगों को सुनाता हूँ अभी। दरअसल में अगर आप इस पैटर्न को एक्टिवेट करके अपने बाइक में रखते हो तो जब कभी भी आपके बाइक को कोई टच करता है, कोई मूवमेंट होती है, आपके बाइक को कोई हिलाता है तो इस तरह की एक इंटरवल पे आपको साउंड सुनाई देगी। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो वही आपको चौथे बटन को फिर से प्रेस करना होगा। अगर चौथे बटन को मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का साउंड अब हम लोगों को सुनने को मिलता है। अभी मैं इसे बंद करता हूँ ताकि वीडियो आप लोगों को इरिटेटिंग ना लगे। अब ये सारी चीज़ें थी इस डिवाइस के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि इस डिवाइस को मैंने कितने में ख़रीदा। ऑनलाइन आप इसे ख़रीदने जाते हो तो लगभग 1800 से 1850 रुपये आपको देने पड़ते हैं, 1850 रुपीज़ के अबाउट आपको देना ही होगा, अप्रॉक्स इतना लगता है। लेकिन मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया था जो कि रूट्स की ओरिजिनल कह लें डिवाइस है, जो कि मुझे तकरीबन पड़ी थी लगभग 1500 रुपये में और 200 रुपये मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया था, तो लगभग 1700 से 1800 रुपये में मैंने अपने इसे बाइक पे इंस्टॉल करवा लिया था। अब आप भी अगर मंगवाते हो ऑनलाइन मार्केट से तो आपको 1800 से 1850 रुपये चार्ज लग जाएंगे डिवाइस के और 200 से 300 रुपये आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो आप देख लें, जो भी इजीली आपको अवेलेबल मिले आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। अगर आपके ऑफलाइन मार्केट में ये मिल जाती है तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 1500 रुपये के आसपास में ले सकते हो, 100, 150 या 200 रुपये आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देने होंगे, तो उस हिसाब से 1700 से 1800 रुपये में आप इसे अपने बाइक पे इंस्टॉल करवा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिवाइस है। अब अगर इसके फीडबैक की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। आप किसी भी कंपनी का लो, मैं रूट्स का यूज़ कर रहा हूँ और जनरली मार्केट में ये बहुत कह लें कि नंबर वन पे चल रही है, बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे से काम करती है, तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस बहुत अच्छा है। इस डिवाइस को अपने बाइक पे इंस्टॉल करवाने के बाद मुझे रात में बिल्कुल भी डर नहीं होता कि बाइक मेरा कोई चोरी कर सकता भी है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ पटना में रह रहा हूँ तो पटना में मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं पीजी में रहता हूँ और वहाँ पे मुझे इस बाइक को बाहर लगाना पड़ता है और शुरुआती के टाइम पे मुझे डर लगता था कि बाइक को कहीं कोई चोरी ना कर ले, लेकिन जब से मैंने इस डिवाइस को अपने बाइक पे इंस्टॉल करवाया है तो बाइक में एक हल्की सी भी कोई टच करता है तो मैं जाग जाता हूँ, मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरे बाइक को कोई टच कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें थी इस डिवाइस के बारे में। अगर आपको भी अच्छा लगता है, आप कह लें कि अगर आप इसे अपने बाइक पे इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसे करवा सकते हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, कंपनी ने मुझे एक रुपये भी नहीं दिए हैं, मैं दरअसल इसे यूज़ कर रहा था, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, दैट्स वाई मैं सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये आपका काम है, आपका मन है, आपका फैसला है, आपका डिसीजन है कि आप इसे अपने बाइक पर लगवाना चाहते हो या नहीं।